हाउ आर यू ऑल। सबसे पहले हैप्पी लोहड़ी। आज है लोहड़ी और हम बनाने वाले हैं लोहड़ी और नॉर्मल ऐसे ही बनाने वाले हैं। सो आज है लोहड़ी और मैंने पहना है ये रेड टॉप। और ये टॉप मैं बॉम्बे से लेके आई थी, जो मैंने सिर्फ एक बार पहना क्योंकि इसे पहनने के बाद मुझे लगता है कि मैं बच्ची लग रही हूँ। आई थिंक इसका कलर थोड़ा है। सो यस, सो ये ठंड के हिसाब से बहुत ही अच्छा टॉप है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसे पहनने के बाद बच्ची लगती हूँ, ऐसा मेरे हस्बैंड कह रहे थे मुझसे पर मुझे नहीं मालूम है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी कुछ खाने, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे, लोहड़ी की तैयारी करेंगे। और मुझे आपसे बहुत ही ज़रूरी बात शेयर करनी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात शेयर करनी है। सो मैं उसको जल्दी से शेयर करती हूँ। कर रही हूँ घर और मेरे हस्बैंड कार निकाल रहे हैं। वो अभी और 5 बज रहे हैं। मैंने सुबह से कोई व्लॉगिंग नहीं करी थी क्योंकि आज मैंने रेस्ट डे बनाया अपना। ये मुझे क्या कह रहे हैं? बेबी सेंटा। ये मुझे सेंटा कह रहे हैं। ये बोल रहे हैं ये मुझे 25 तारीख को पहनना था दिसंबर में क्योंकि मैं सेंटा लग रही हूँ। और इसे मुझे समझ में नहीं आ रहा वैसे कैसे पहनूं। सांप है सांप। और इन्हीं ने दिलाया था। इसमें 2 शेड्स थी, एक व्हाइट थी, व्हाइट आई थिंक बहुत अच्छी थी, क्रीम शेड थी, और एक थी रेड। और इन्हें बोला कि ये वाली ले लो, तो मैंने ये वाली ले ली। और अब ये दूसरी बार पहन रही हूँ मैं और ये दिक्कत हो रही है। मुझे सेंटा बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि यार मैं कहीं जाऊंगी, कहीं उतरूंगी तो लोग मुझे अजीब ढंग से देखेंगे। अच्छा ऐसा तो नहीं कि बच्चे खड़े जाएंगे बोलेंगे सेंटा सेंटा दे दो कुछ। अच्छा टोपी लगा के आ जाती फिर मैं। सेंटा लगती अच्छी सेंटा लगती तुम तो मुझे करना कर मतलब पंजाबी नहीं आ रही इन्हें गाने में तो। अच्छा आप लोग लोहड़ी कैसे बना रहे हैं? प्लीज 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 मुझे मैसेज करिए कमेंट सेक्शन में। और सबको फिर से एक बार हैप्पी लोहड़ी। और आज आप लोगों को मैं विश कर रही हूँ हैप्पी लोहड़ी। और हम लोग अभी कुछ खाने जा रहे हैं। आप देखिए मैं कितनी सूजी सूजी सी हूँ। सो हाँ मैंने क्योंकि मैंने नीचे का काजल मतलब क्योंकि मैंने आंखों में काजल नहीं लगा के रखा है इसीलिए। और मेरे पीछे एक जो अंकल आ रहे हैं वो देख रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। और मैं आज कुछ ज्यादा ही कैमरे में फोकस हो रही हूँ लाल कलर के कारण। टमाटर कितने गंदे, कभी सेंटा कभी मैं टमाटर। तुम क्या हो? आलू अंडा। आलू। सो यस। और मैं आपको पूरा कल रात का बताती हूँ। कल हम लोग 3 बजे तक नहीं सोए, उसका कारण था एक स्पेसिफिक, मैं आपको बता रही हूँ। लेट मी चेक समथिंग फर्स्ट। मैं थैंक यू कर रही हूँ एक अपनी एक अच्छी सी सब्सक्राइबर का, संध्या रावत, जिनने मुझे इन्फॉर्मेशन दी इस बारे में। संध्या रावत थैंक यू सो मच। क्या हुआ था रात के 12:30-1 बजे के आसपास उनका मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि आपकी कोई और ब्यूटी जोन के नाम से आईडी है, तो मतलब ब्यूटी की मतलब की कोई और है क्या आईडी। तो मेरे को लगा यार अगर वो सिर्फ आईडी कहती है कि कोई और चैनल है तो मुझे लगता है कि कुकिंग कह रही है, पर उन्हें ब्यूटी बोला कि आपको कोई और ब्यूटी चैनल है तो मुझे लगा कि मेरा सिर्फ एक ही ब्यूटी चैनल है। फिर उनने मुझे एक लिंक भेजी कि आप उसे जाके चेक करिए, उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेंज है और चैनल का नाम भी चेंज है। मैंने चेक करी, मुझे लगा चलो एक दो वीडियो होगी कुछ देखते हैं, फिर मैं कॉपीराइट कर दूंगी उसमें। तो फिर जब मैंने उसे खोला तो उसमें मेरी एक वीडियो मैंने देखी पहले। फिर जब मैंने उस चैनल को खोला तो 15 आवर्स में 47 वीडियोस किसी ने अपलोड करके रखी थी। मतलब कि उस बंदा या बंदी जो भी था उसके पास इतना टाइम था कि उसने 15 घंटे में मेरी 47 वीडियो चुराई और उसने चैनल बनाया और पोस्ट कर दी। और उसमें एक वीडियो में आई थिंक 100 व्यूज भी होने वाले थे। सो फिर उन्होंने जब बताया हमें कि ऐसा है तो मैंने देखा 47 वीडियोस थी मेरी। फिर हम लोग काफी थोड़ा वो हो गए कि यार ये क्या है कैसे है? और उनने उनके पास इतना टाइम भी था, मतलब उनने पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स सिर्फ मेरी 2-3 लाइन लिखी है और उन्हें खुद से अपडेट किया डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मतलब इतना टाइम था कि उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स तक अपने मन से अपडेट किया है। तो फिर मैंने हम लोग बहुत ही ज्यादा थोड़े पैनिक हो गए थे क्योंकि एक इंसान जब कुछ लाखों में पहुंचता है तो उसकी वीडियो चुराया जाते हैं या कुछ भी पहुंचता है तब चुराया जाते हैं। मैं इतनी जल्दी चुराने का कोई मेरे को रीजन समझ में नहीं आया। और कोई एक दो वीडियो चुराता है 15 घंटे के अंदर, किसके पास ज्यादा टाइम होता है कि वो 47 वीडियोस अपलोड कर दे। उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने 4 वीडियोस पे
कॉपीराइट किया, क्योंकि अगर मैं 47 वीडियोस पे कॉपीराइट करने बैठती तो मेरे को सुबह भी हो जाती और बहुत टाइम हो जाता. होल्ड ऑन. हाँ, सो 47 वीडियोस पे हम कॉपीराइट एकदम से कर नहीं सकते थे. तो हम लोग के एक रिलेटिव है, वो है साइबर सेल में. तो फिर मैंने उन्हें इन्फॉर्म किया, हम लोगों ने रात के 3 बजे उन्हें परेशान किया है, उसकी लिंक वगैरह भेजी और हमने उसका IP एड्रेस ट्रेस करवाया. अभी वो पूरी प्रोसेसिंग चल रही है उसकी, और YouTube ने जो उसका चैनल है वो हटा दिया है. अब उसकी एक क्लिप है, मैं डालूंगी इस क्या बोलते हैं, इस स्पेसिफिक बात के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि वो, और वो किसी डोनाल्ड किम के नाम से चैनल था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो, आई डोंट नो, मेरे को कोई उम्मीद नहीं है, मैं किसी का कोई नाम नहीं लेना चाहती हूँ. सो यस, ये सब हुआ और मैं इससे इत्मीनान से आपसे घर जाके बात करती जो मेरे को आपसे इत्मीनान से आगे बात करनी है, क्योंकि सीरियसली इतना टाइम कैसे हो सकता है. और मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी, और मेरे हस्बैंड तो रात में इतना पैनिक हो गए थे कि अब लगता है कि थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज़ से ये ऐसे कैसे होता है. तो अब ये होता भी है और कोई बहुत नई बात नहीं है. मैंने देखा है कि कुछ ऐसे चैनल रहते हैं, जैसे मैं नाम लेती हूँ एक चैनल का, वो है बीबी की वाइंस. बीबी की वाइंस के नाम से आई थिंक 5-6 चैनल है जो उसकी वीडियो कॉपी करते हैं, बट वो एक पर्टिकुलर, उसके 17-18 लाख सब्सक्राइबर हैं. यार मेरे इतने सब्सक्राइबर में पूरी 47 वीडियोस कर दी, मतलब वो आज भी करता या करती. सो यस, सो अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने, उसके बाद मैं आपसे अच्छे से बात करती हूँ, क्योंकि फिर टाइम यहाँ पे रोड पे ऐसे बात करना भी अच्छा नहीं लग रहा है. लोग सोच रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ. मैं आपको अच्छा सेंटा हूँ, अगर मैं सेंटा हूँ या लाल टमाटर हूँ, जो भी हूँ, मैं आपको घर में दिखाऊंगी. देखिए विजन भी बहुत ज़्यादा ब्लरी हो रहा है. सो यस, मैं उसके बाद की बात में आपसे बात करती हूँ. बात यू कैन सी द मून, कहाँ अच्छा मून, वो सामने कितना अच्छा मून निकला है आज. सीरियसली कितना अच्छा लग रहा है, दिख रहा है कितना अच्छा यार. और रियलिटी में बहुत अच्छा दिख रहा है, मेरा कैमरा फोकस नहीं कर रहा है. सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है. वाह, देखो कितना अच्छा लाइट के बाजू में. अब देखो अच्छा कि मेरी बहुत सारी वीडियो, मतलब 47 वीडियोस विद इन 15 आवर्स किसी ने स्टोल कर ली है. और अगर आपको ये इस नाम से चैनल लगता है, आप देखिए ये मेरा चैनल नहीं है, और इसने मेरी पूरी की पूरी वीडियो चोरी कर ली है. सीरियसली, और मैं कल इतनी परेशान थी रात में, आप पूछे मत. और उसे कुछ नहीं मिला, उसने मेरी वीडियो ही चोरी कर ली. और मुझे यही लग रहा था कि आई मैंने उसकी बहुत सारे कॉपीराइट क्लेम करे हैं, और मेरे पास बहुत सारी वीडियो हट भी गई हैं. बट मैं चाह रही हूँ कि उसका चैनल बैन हो जाए, तो आई थिंक वो आज या कल में उसका चैनल बैन हो जाएगा. बट ये सब चीज़ें मेरे को एक सब्सक्राइबर ने बता दी, अदरवाइज़ क्या होती. मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे लग रहा है कि सो मैं दिखाती हूँ, उसे मिलती थोड़ी सी देर में. बस आई हूँ, और मेरा एक लाइनर कितना फर्जी था जो निकल गया है. हाँ, तो आज मैं सिर्फ आपसे बात करने वाली हूँ. तो मैं आपसे ये कह रही थी कि कल जैसे संध्या रावत, जो एक बहुत ही अच्छी सब्सक्राइबर है, उनने मुझे बता दिया कि मेरी एक फेक आईडी है, और अभी वो आईडी बैन हो चुकी है. लेट्स सी उसका आईपी एड्रेस कब तक ट्रेस हो जाता है. उन्होंने ट्रेसिंग पर डाला था, अगर कोई फिर से बनाता है तो यूट्यूब का ये बहुत अच्छा है कि उनने, आई थिंक मैंने उन्हें 5 कल दी थी कॉपीराइट के लिए, और 5 या 7 आज सुबह दी थी कॉपीराइट के लिए. रात को उन लोगों ने नहीं हटाई थी, उन्होंने आई थिंक 1 बजे हटाई है वो आईडी. सो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया. और मैं आपसे ये कहना चाह रही थी, एक मेन चीज़ ये थी, वो तो खाना खा रहा, उसका खाना मेरे सिर पे लग गया. हाँ, तो एक मेन चीज़ ये थी कि अगर आपको मेरी चांदनी कुकिंग जोन और चांदनी ब्यूटी जोन के अलावा कोई और अदर वेबसाइट या कहीं मतलब कि यूट्यूब में ही कहीं और वीडियो दिखती है जिसका चैनल नेम कुछ और है या कुछ है, सो प्लीज़ टू इन्फॉर्म मी एज सून एज पॉसिबल. और गाइस, अभी हम लोग लोहड़ी की तैयारी कर रहे हैं. अभी मेरे हस्बैंड गए हैं बाहर, क्योंकि हम लोग की टायर फिर से पंचर हो गया है. पता नहीं, वो नए टायर फिर से पंचर हो रहे हैं, तो एक वही टायर है जो दिक्कत कर रहा है, तो वो कराने गए हैं, क्योंकि कल बसंत पंचमी है. और आप में से कौन कौन पतंग उड़ाता है? मेरे हस्बैंड को पतंग उड़ाना बहुत पसंद है, मुझे पतंग उड़ाना पता नहीं आता है. तो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो कल बसंत पंचमी है, तो देखते हैं हम लोग कल क्या करते हैं. तो अभी हम लोग लोहड़ी की तैयारी कर रहे थे, और कुछ थोड़ा बहुत खा के आए हैं, और हम लोग पियेंगे आज कोल्ड ड्रिंक्स. यस, हम लोग कोल्ड ड्रिंक पियेंगे. मैं स्प्राइट की बॉटल्स लेके आई हूँ बहुत दिनों बाद, और ठंड में कोल्ड ड्रिंक, और मैं कुछ स्नैक्स लेके आई हूँ. सो यस,
और हम लोग जलाएंगे आग और ज़्यादा कुछ नहीं, तो हम लोग थोड़े बहुत गाने चला लेंगे। सो ये होने वाला है। और हम लोग संडे को जा रहे हैं शॉपिंग करने। पहले मैं अपने बाल कलर कराने जा रही थी, पर अभी मुझे लग नहीं रहा है कि मुझे चाहिए कलर, क्योंकि मैं सोच रही हूँ अपने बर्थडे के आसपास कराऊँ या एनिवर्सरी के आसपास कराऊँ, क्योंकि अभी मेरे थोड़े ठंड के कारण बाल बीच बीच में से टूटे भी हुए हैं, तो ठंड सर्दी में थोड़े बाल डैमेज हो जाते हैं, तो मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ। बेशक मुझे 20 दिन और वेट करके कराने पड़े, पर मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा टेक्सचर सही हो जाए, थोड़े बालों का भी टेक्सचर मेरे सही नहीं है। आई बैड डेज चल रहे हैं हेयर के। सो हम लोग जा रहे हैं संडे को शॉपिंग करने। सो बोजो को कहीं जाना होता है, मतलब उसे पी करनी होती है जब वो खाना खा लेता है। आपको मेरी नाक स्वेल दिख रही होगी, सॉरी मैं फिर से नाक के बारे में बात कर रही हूँ। मेरी थोड़ी नाक स्वेल्ड है अभी उस चीज़ के कारण, तो इसलिए मेरी थोड़ी नाक अजीब टाइप की दिखने लगी है। 2-3 वीडियो से मैं खुद चेक कर रही हूँ, तो वो थोड़ी सी स्वेल्ड है यहाँ से। हो सो बोजो को पी करने जाना। बोजो मैंने बालकनी खोली है अभी, ठंड बहुत हो रही है बाहर। गो आउटसाइड बेबी, उसे आउटसाइड नहीं उसे इनसाइड ही करना है। अब जब वो अच्छे से खा लेता है तो सेटिस्फाई होकर फिर उसे पी करनी होती है, उसका फेवरेट काम पी करना होता है। सो यस, ठंड बहुत ज़्यादा है और मेरे हस्बैंड को बहुत गैस बन रही है कल से, बहुत ज़्यादा, मतलब सब कुछ ऊपर आ रहा है। तो अभी मैं एक जिनटेक लेके आई हूँ, और अभी एक ले 52 की आती है बॉटल, वो बाजू से लेनी है, वो आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक आयुर्वेदिक दवाई है, तो वहाँ से लेनी है मुझे। उससे देखते हैं क्या होता है, पता नहीं, आई थिंक ठंड में गैस ज़्यादा बनती है, कुछ नहीं मालूम। जबकि वो चाय वगैरह भी सिर्फ एक रात में मेरे साथ शाम को जब जाते हैं तब पीते हैं, वो पूरे दिन ऐसे चाय भी नहीं पीते हैं, तो उन्हें गैस की प्रॉब्लम हो रही है। और आई एम सेंटा क्लॉस। और कल रात हम लोग की बहुत ही गंदी गई है। कल थोड़ा दिन ही ऐसा था कि कल कुछ ना कुछ हो रहा था। कल मेरे हस्बैंड की भी थोड़ी ऑफिस में प्रॉब्लम थी। बोझो मत जाओ यार। हाँ, मेरे हस्बैंड को भी कुछ ऑफिस में प्रॉब्लम थी। फिर हम लोग रात को मैंने वीडियो अपडेट करी, फिर मैसेज आया, फिर उसके बाद फिर मैं हम लोग 3 घंटे टेंस्ड हो गए थे बहुत ज़्यादा। और मैं इतनी टेंस्ड नहीं थी, मेरे हस्बैंड ज़्यादा टेंस्ड हो गए थे, क्योंकि आप जानते हैं कि एक वाइफ की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और फिर मुझे उन्हें कन्विंस करना ही बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर इन केस वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते किसी चीज़ के लिए, तो वो बोलते ही जाओ अपना चैनल शट डाउन करो, क्योंकि मुझे ये सब नहीं चाहिए, तो वो दिक्कत हो सकती थी। तो मैंने उन्हें, वैसे वो ऐसे हैं नहीं, बट फिर भी अगर कोई और होता तो वो ये सब सेफ्टी पर्पस से, हर कोई अपनी फैमिली की सेफ्टी चाहता है, इसलिए मैंने अपना जो एड्रेस डाल के रखा है अबाउट में, वो ही मैंने अलग डाल के रखा है, मतलब कि जो मेरा खुद का नहीं है, एक सेफ्टी पर्पस से, कि एड्रेस भी मैंने समझ सकते कहाँ का डाल के रखा है। सो यस, तो ये है ये सब। अब मैं थोड़ा सा हॉल समझाती हूँ, उसके बाद फिर मैं थोड़ा बहुत खाने की तैयारी देखती हूँ। अब देखिए बोझो क्या करता रहता है, मुझे फिर देखने जाना पड़ेगा। कुछ गिरा दिया उसने, क्या गिरा रहे हो यार? काट रही हूँ, आप देख रहे हैं, क्योंकि अगर मैं पूरी मिर्ची का अचार डालूँगी तो ये पूरा अचार खाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसे इतने इतने पीसेस में काट रही हूँ। मैंने 2 दिन धूप लगाई है इन्हें, तो मैं इसे काट के फिर जो करती हूँ वो दिखाती हूँ। अब मैं इसमें, ये है निलॉन्स का खाना खजाना अचार का मसाल। इसमें स्पेसिफिकली ये नहीं लिखा हुआ है कि किस चीज़ का अचार है, ये मिर्ची कैसे गिर गई। हाँ, तो इसमें स्पेसिफिकली ये नहीं लिखा हुआ कि ये किस चीज़ का अचार मसाला है, तो ये जैसे आम का अचार का आता है, तो ये हर मसाले में, मतलब हर अचार में डाल सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इसे मिलाऊँगी। आप भर भी सकते हैं, बट मैं ऐसे मिलाती हूँ अचार में मसाले, और अपनी तरफ से भी जो आपको ऐड करना है आप कर सकते हैं। सो ये काफ़ी ज़्यादा ही मिर्ची हैं। सब मोर मसाला,
में सरसों का तेल, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कि ये मसाला थोड़ा बाइंड हो जाए। उसके बाद जब 2 दिन की धूप लगा दूंगी मैं, उसके बाद मैं इसमें तेल अच्छे से डालूंगी। मैं आपको बता नहीं सकती कि कैसी खुशबू आ रही है। मेरा खुशबू कैसी आ रही है? बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है अचार में, रियली। अब मैं इसमें डालूंगी नमक थोड़ा सा। आई थिंक नमक प्रॉपर है अचार में, क्योंकि मसाले में ऑलरेडी काफ़ी नमक है। तो मैं एकदम थोड़ा सा डालूंगी नमक, ज़्यादा नमक मत डालिएगा। अचार के मसाले का नमक चेक कर लीजिएगा, मेरे अचार के मसाले में काफ़ी नमक है। और अब मैं इसे एक बॉटल में भर लूँगी। अभी अचार बन गया है और मेरा अचार हो गया है। अब ये 2 दिन के लिए धूप में जाएगा एंड बस। तो ये है अचार की रेसिपी, यिप्पी। सो आई एम मेकिंग वेज बिरयानी। और फिर हम लोग जाएंगे इसे ऊपर लेके और थोड़ी सी लोड़ी बनाएंगे अपने स्टाइल में। सो मैं भी बिरयानी बना रही हूँ, बस बनने वाली है। मैंने चावल पहले से बॉईल कर दिए थे। मैं इसका फिनिश लुक दिखाती हूँ आपको। सो दिस इज़ माई डिनर, अभी भी गर्म है ये, चटनी और वेज बिरयानी। सो आई एम सो हंग्री, मैं इसे खाने जा रही हूँ। यम्मी यम्मी। दिस व्लॉग हेयर और हैप्पी लोहड़ी वंस अगेन। और क्या है आज, आज बसंत पंचमी भी है। हैप्पी बसंत पंचमी, हैप्पी लोहड़ी। और अब मैं आपको बोल रही हूँ बाय, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए और दैट्स ऑल। और मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक से फॉलो करिए जो कि हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब मैं आप लोग को बोल रही हूँ बाय, क्योंकि बहुत रात हो गई है, मैं जा रही हूँ सोने।